नगरीय निकाय पंडरिया में ठेकेदारों की मनमर्जी। अब ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध सीएमओ पंडरिया के द्वारा ब्लैक लिस्टेड करने की कार्रवाई। नगरीय निकाय पंडरिया नगर विकास अधोसंरचना मत की राशि 2 करोड़ रुपए स्वीकृति हो चुकी है। समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर ठेकेदारों को कार्यादेश दिया जा चुका है, लेकिन 2 माह से अधिक समय निकल चुका है, कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। बता दें 15 जून से बारिश की शुरुआत हो जाती है, जिससे सभी निर्माण कार्य में रोक लग जाते हैं। नगर पंचायत पंडरिया के द्वारा इस समस्या का हल निकालते हुए नगर पंचायत परिषद की बैठक बुलाई गई। बैठक में सभी वार्ड प्रतिनिधियों की सर्वसहमति से अधोसंरचना विकास निर्माण कार्यों को ध्यान में रखते हुए नगर विकास के कार्यों को पहली प्राथमिकता दी गई है और समय से पहले सभी कार्यों को अति शीघ्र आरंभ करने का निर्णय लिया गया। और कुछ अधोसंरचना को लेकर नगर विकास के लिए कुछ प्रस्ताव भी यहाँ रखा गया था, समथिंग 3 करोड़ का आसपास था वो। तो कहना चाहेंगे क्या है, कब तक संभवतः ये काम चालू हो जाएगा? नगर पंचायत पंडरिया द्वारा विशेष सम्मेलन बुलाया जा करके 3 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया था, जिसको सर्वसम्मति से परिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। उक्त प्रकरण को विभाग में जमा किया जा करके शीघ्र उसका निर्धारण कार्यवाही की जाने में आया है कि 14-15 वित्त का जो राशि है जो अभी तक कार्य स्टार्ट नहीं हुए, तो ऐसे ठेकेदारों के लिए क्या आपने जारी किए हैं निर्देश? 14-15 वित्त आयोग के स्वीकृत सभी कार्यों का ठेकेदारों को वह कार्यादेश जारी किया जा चुका है। कुछ ठेकेदार द्वारा कार्य में विलम्ब किया गया, उनको नोटिस जारी किया गया है, शीघ्र कार्य प्रारंभ। नोटिस जारी करने तक बात सही है, क्योंकि विगत कई सालों से देखा गया है नोटिस बस जारी किया जाए, उनके लिए क्या बेस्ट लिस्टिंग के लिए कुछ करना चाहेंगे? परिषद द्वारा उसमें प्रस्ताव पारित किया गया है, जो विलम्ब कर रहे हैं निर्माण कार्य विलम्ब किया जा रहा है, वो संबंधित को ब्लैक लिस्टेड की कार्यवाही किया जाएगा। बता दें विगत 14वीं एवं 15वीं वित्त के निर्माण कार्य आज पर्यटन आरंभ नहीं हुई है, जिसे नगर पंचायत सीएमओ लालजी चंद्राकर के द्वारा गंभीरता से लेते हुए ऐसे ठेकेदारों के विरुद्ध ब्लैक लिस्टेड जारी करने की बात कही गई है। अधोसंरचना के कार्य को लेकर कांग्रेस पार्षद, कांग्रेस जिला महामंत्री घनश्याम साहू एवं कांग्रेस नेता आनंद सिंह ने मीडिया से खास चर्चा भी किए है। अधोसंरचना को लेकर अभी 3 करोड़ की राशि प्रस्ताव भेजा गया है, तो नगर विकास के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? चूंकि अभी परिषद का बैठक हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से लगभग सभी साथियों का एकजुट होके नगर विकास के लिए कार्य हो, चाहे वो मूर्ति निर्माण की बात हो, चाहे सौंदर्यीकरण की बात हो, सभी ने एकजुटता के साथ राय रखा कि नगर विकास पंडरिया की विकास हो। इसलिए सभी लोगों ने प्रस्ताव पारित किया गया कि समूचे पूरा पंडरिया क्षेत्र के लिए। अभी फिलहाल कुछ पार्षदों में मतभेद देखने को मिला नगर विकास के मद को लेकर, क्योंकि नगर विकास में ये मद ऐसा नहीं है, मतभेद नहीं है, अपने अपने विचारों को रखे हैं उन लोग, कई एक जगह में और कुछ काम हो ऐसा टाइप का उन लोगों का मंशा है, लेकिन अंततः सभी की सहमति से उन लोग राजी हो गए। नगर विकास का काम है तो जनहित का काम है, तो सब हमें मतलब नगर विकास को लेकर कैसे देखना चाहेंगे शहर के लिए आप? देखिए शहर तो हम यही देखना चाहेंगे कि सौंदर्यीकरण भी हो, सीसी नाली रोड भी हो, समूचा विकास हो, पानी बिजली की भी साधन भरपूर मात्रा में हो, सफाई अच्छी हो, और उसी दिशा में हमारे नगर पंचायत के समूची बॉडी काम कर रही है। और मुझे खुशी है कि ये लेटर के माध्यम से मैं आप बताना भी चाहूँगा बतौर सबूत कि 13 करोड़ के अलावा अब वर्तमान में जो माननीय मुख्यमंत्री जी 3 करोड़ का जो घोषणा की है अधोसंरचना में, उसका ये लिस्टिंग है। समूचा कार्य बहुत ही सुंदर सुंदर कार्य, चाहे वो समुदाय भवन की बात हो, चाहे पुराने बस स्टैंड की बात हो, चाहे उद्यान की बात हो, चाहे मुक्ति धाम की बात हो, कि चाहे मूर्ति की बात हो, ये सारा चीज चौक चौराहा से लेकर सारे पंडरिया नगर में विकास की धारा बहेगी, बिल्कुल बहेगी। और साथ में ये राज्य परिवर्तित योजना अंतर्गत खेल मैदान हमारे युवाओं के लिए और बहुत सारी इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं जो नगर में आज तक नहीं हुई थी। फिलहाल माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारे प्रभारी मंत्री जी के साथ साथ जो हमारे निकाय। कवर्धा से पीडी मणिकपुरी की रिपोर्ट, बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।